एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ ही दुनिया भर में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। ट्विटर के कुल 7,500 स्टाफ में से करीब आधों को निकाल दिया गया है। भारत में ट्विटर के 200 से ज्यादा कर्मचारी थे, जिनमें से ज्यादातर को निकाल दिया है। इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीमों में छंटनी की गई है। भारत में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन विभाग की पूरी टीम खत्म कर दी गई है। जहरीली हवा से दिल्ली में लोगों की सांसें फिर उखड़ने लगी हैं। आज AQI 431 दर्ज किया गया। AQI हवा की क्वालिटी मापने का पैमाना है, जिसे बेहद गंभीर कैटेगरी माना जाता है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में IPS अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने संपत पर सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। धोनी ने कोर्ट से संपत के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और समन जारी करने की मांग की है। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को हुई हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले में अब कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी लखवीर लंडा की एंट्री हो गई है। भगोड़े आतंकी लखवीर ने सोशल मीडिया पर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। आतंकी लखवीर पहले भी सुधीर सूरी की हत्या की साजिश रच रहा था। पिछले दिनों पकड़े गए आतंकी के करीबियों ने पुलिस को यह जानकारी दी थी। गुजरात के मोरबी में हुए ब्रिज हादसे की जांच में दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह बात सामने आई है कि ओरेवा को पुल की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए मिले थे। कंपनी ने उसका महज 6% यानी 12 लाख रुपए ही खर्च किया था। 6 महीने की मरम्मत करके पुल को जनता के लिए खोल दिया गया था।